हिंदी टेक्स्ट गद्य खंड चैप्टर टू आत्मत्राण कविता, जिसके कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया कि इसमें कवि जो है वह विपत्ति को या कष्ट को सरल करने या हरने का प्रार्थना भगवान से नहीं करता है, बल्कि वह भगवान से हमेशा यह प्रार्थना करता है कि उन विपत्तियों का सामना करने की शक्ति देना। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यवस्थित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। इस पंक्ति में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जीवन में आने वाली आफत विपदा में तुम मेरी सहायता नहीं करना, लेकिन इतनी कृपा ज़रूर करना कि मुझे इतनी शक्ति ज़रूर देना कि इन परिस्थितियों का मैं सामना कर सकूं। जे प्रभु, जीवन पथ पर चलते हुए कभी भी मन व्यवस्थित हो अथवा दुख हो तो मुझे उस घड़ी सांत्वना मत देना, धैर्य मत देना, बस इतनी शक्ति ज़रूर देना कि उन दुख पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उनसे लड़कर उन्हें प्राप्त कर सकूं। मेरा कोई सहायक ना हो, कोई मददगार ना हो, तब भी मेरा पुरुषार्थ पराक्रम साहस बल ना डगमगाए और ना ही अपने पुरुषार्थ के बल पर और अपने पुरुषार्थ के बल पर उसका सामना कर सकूं। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वचना रही तो मैं तो भी मन में ना मानू छह, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा मैं तैरने की हो शक्ति अनामय। यहाँ पर कवि कहता है कि अगर इस संसार में यदि हमको केवल हानि भी उठानी पड़े, यदि कुछ प्राप्त ना भी हो और प्राप्त हो तो धोखा और छली मिले, फिर भी हम इसको अपना विनाश ना समझे। तुमने जो मुझे जीवन दिया है उसकी प्रतिदिन रक्षा करने की ऐसी कोई प्रार्थना या विनती नहीं करता हूँ। हाँ, इतना कृपा अवश्य करना अथवा इतना शक्ति अवश्य ही प्रदान करना कि स्वयं निरोग रहकर अपने जीवन का नया को पार लगा सकूँ। इसके लिए किसी अन्य पर निर्भर ना होना पड़े, तुम पर भी नहीं। मेरा भार अगर लघु करना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना नू नए वहन कर सकूं, इसको निर्वहन सिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिम्मेदारियों कर्तव्य को कम करके आप मुझे भले ही दिलासा ना दे, किंतु हे ईश्वर, आपसे यह विनती है कि इतनी शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निर्भय और निडर होकर निभा सकूं, उठा सकूं। ईश्वर, मुझे ऐसा स्वभाव प्रदान करना कि सूखे दिनों में सिर झुकाकर अर्थात नतमस्तक होकर हर किसी को और आपको भी हर क्षण पहचानता रहूं, किंतु जब दुख भरी रातों हो और सारी दुनिया मुझसे छल कपट करे, तब भी मैं तुम पर कभी दोषारोपण ना कर सकूं। त्री में करे वचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संचय। यहाँ पर कवि कहते हैं सुख के दिनों में प्राय मनुष्य अपने को यहाँ तक कि ईश्वर को भी पहचानने से इनकार कर देता है, किंतु कवि ईश्वर से ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करने को कहता है कि उन सुख के दिनों में वह सभी को पहचानता रहे, उसकी यथासंभव मदद करता रहे, किंतु जब कभी मेरे ऊपर दुख के बादल छाए और सारी दुनिया मुझसे छलावा करे, तब भी हे ईश्वर, मेरा विश्वास तुम पर हमेशा बना रहे।